बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल और अमीषा पटेल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा 22 साल बाद 9 जून 2023 को फिर से रिलीज की गई। इस फिल्म को कई सारे सिनेमाघरों में री रिलीज किया गया। इस फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे पर अच्छी कमाई की थी, लेकिन इसके बाद वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में और ज्यादा इजाफा हुआ। अब गदर की कमाई 3 दिनों में 1 करोड़ के पार चली गई है। फिल्म के री रिलीज के इस कलेक्शन को काफी अच्छा माना जा रहा है। शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को भी पछाड़ दिया है। दरअसल DDLJ को भी शाहरुख के जन्मदिन के मौके पर पिछले साल री रिलीज किया गया था। फिल्म ने 2 दिन में 12.5 लाख की कमाई की थी, जबकि गदर की बात करें तो फिल्म ने 2 दिन में ही 75 लाख की कमाई कर ली है। वहीं बाहुबली 2 के रिलीज के वक्त इससे पहले यानी बाहुबली 1 को री रिलीज किया गया था। रिलीज के बाद इस फिल्म ने 4,000 स्क्रीन पर 1 दिन में 50 लाख की कमाई की थी, जबकि गदर ने महज 700 स्क्रीन पर 30 लाख की कमाई कर डाली। यानी सनी देओल की गदर इस मामले में भी आगे निकली। गदर एक प्रेम कथा ने अपनी री रिलीज में पहले दिन 30 लाख रुपए की कमाई की, जबकि दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 45 लाख की कमाई की और तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने करीब 55 लाख रुपए की कमाई कर डाली। ऐसे में गदर ने 3 दिन में ही 1,30,00,000 की कमाई कर डाली है, जो की री रिलीज फिल्मों की कमाई में बेहतरीन है। अब फैंस को गदर 2 का भी इंतजार है। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज होगी।